हीरो स्प्लेंडर प्लस के लिमिटेड एडिशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको लिमिटेड एडिशन में कौन कौन से नए ग्राफिक और कौन कौन से नए कलर ऑप्शन देखने को मिल गए हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात किया था लिमिटेड एडिशन के बारे में, जिसमें कि हमने आपको ब्लैक एडिशन के बारे में बताया था और आपको उसका वॉल अराउंड भी दिखाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से लिमिटेड एडिशन देखने को मिल जाएंगे हीरो स्प्लेंडर प्लस में, और आपको कौन कौन से चेंजेस मिलेंगे और कंपनी ने प्राइस क्या रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हीरो स्प्लेंडर प्लस की पूरी जानकारी के लिए भाई मैंने नीचे लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहां जाकर आप हीरो स्प्लेंडर प्लस की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस का जो लिमिटेड एडिशन, इसमें आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो भाई इसमें अब आपको टोटल 4 और नए कलर देखने को मिलेंगे, जिसे कि आप लिमिटेड एडिशन या फिर ब्लैक एडिशन भी बोल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आपको इसमें कौन कौन से नए कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो भाई आपको इसमें 4 कलर देखने को मिलेंगे, चारों में आपको फुली ब्लैक बॉडी मिलेगी, लेकिन जो ग्राफिक्स है उनका जो कलर है वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो भाई इसका जो पहला ग्राफिक है वो आपको मिलेगा ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो आपको ब्लैक कलर के साथ देखने को मिलेगी, जो कि ग्लॉसी पेंट के साथ रहेगी। लेकिन जो उसके ग्राफिक्स हैं वो आपको रेड कलर के साथ देखने को मिल जाएंगे, और आपको टैंक पर जो है आपको हीरो की बैजिंग और हीरो का लोगो भी मिल जाएगा, और इस गाड़ी के जो साइड के पैनल है वहाँ पर आपको स्प्लेंडर प्लस भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और ये गाड़ी आपको i3s के साथ देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर आपको i3s की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। और भाई इस गाड़ी का जो वाइजर है वो आपको रेड कलर के साथ देखने को मिलेगा, यानी कि वहाँ पर आपको रेड कलर का ग्राफिक भी देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी के जो अलॉय व्हील्स हैं वो भी आपको फुली ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे। भाई जो इसका इंजन है, जो इसका चेन कवर है, वो भी आपको ब्लैक कलर का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई इसका जो नाम है वही ब्लैक एडिशन है, तो आपको इसमें फुली ब्लैक का यूज़ देखने को मिलेगा। तो भाई ये तो हो गया पहला कलर। तो बात करते हैं दूसरे कलर के बारे में। तो भाई इसका जो अगला कलर है उसमें आपको ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी आपको वीडियो में दिख जा रहा है कि इसकी जो बॉडी है वो आपको पूरी ब्लैक कलर की मिल रही है, टैंक पर आपको हीरो का लोगो और हीरो की बैजिंग मिल जा रही है, और आपको इसमें येलो कलर की जो है स्ट्रिप देखने को मिल जा रही है, जैसे कि आपको रॉयल इनफील्ड की बाइकों में रेड कलर की स्ट्रिप देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको येलो कलर की स्ट्रिप मिल जा रही है। और भाई इसका जो रिम है, जो शॉकर है, और जो इंजन है, और जो चेन कवर है, वो भी आपको फुली ब्लैक कलर का देखने को मिल जाएगा। और भाई इसका जो अगला कलर है वो तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि वो पूरा का पूरा ब्लैक है, उसमें आपको वाइट कलर के ग्राफिक देखने को मिल जा रहे हैं, यानी कि उसमें आपको हीरो का लोगो, हीरो की बैजिंग और स्प्लेंडर प्लस का साइड पैनल पर आपको होलोग्राम देखने को मिल जा रहा है, जो कि 3D लोगो के साथ आता है। तो भाई इसका भी आपको फुली ब्लैक सेटअप देखने को मिलेगा, यानी कि आपको इसमें ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक इंजन, ब्लैक चेन कवर भी देखने को मिल जाएगा। भाई ये तो हो गया तीसरा कलर। तो बात करते हैं कि आपको इसमें अगला कलर कौन सा देखने को मिलेगा। तो भाई इसका जो अगला कलर है वो आपको गोल्डन कलर के साथ देखने को मिलेगा, उसके जो ग्राफिक हैं वो आपको गोल्डन कलर के साथ देखने को मिल जाएंगे भाई, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भाई इसका भी जो रिम है, जो चेन कवर है, वो भी आपको पूरा ब्लैक कलर का देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और इसमें आपको टोटल नए 4 कलर देखने को मिल जाएंगे भाई, जो कि लिमिटेड एडिशन है। तो जिन्हें भी इस गाड़ी को परचेस करना है वो जाकर नज़दीकी शोरूम में पता कर सकते हैं भाई, वरना ये गाड़ी आपको बाद में नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई ये लिमिटेड एडिशन है, ये सिर्फ आपके त्यौहारों के लिए लॉन्च हुई है, उसके बाद ये गाड़ी आपको नहीं मिलने वाली है। तो बात कर लेते हैं कि भाई कंपनी ने प्राइस क्या रखा है। तो ये गाड़ी आपको 64,470 रुपये की एक्स शोरूम देखने को मिल जाएगी भाई, जो कि काफ़ी ठीक ठाक प्राइस में मिल जा रही है। तो भाई जो लोग इसे परचेस करना चाहते हैं वो जाकर इसकी बुकिंग करा सकते हैं भाई, ये गाड़ी आपको काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल रही है। स्प्लेंडर प्लस में आपको 97cc का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है भाई, साथ में आपको इसमें F5 भी मिलता है, और इसकी जो पावर फिगर है वो आपको 7.91 BHP का आपको इसमें मैक्सिमम पावर देखने को मिल जाता है, और आपको इस गाड़ी में 8.5 Nm का टॉर्क मिलता है, साथ में आपको इसमें सिंगल सिलेंडर 4-speed गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि 2200cc के हिसाब से इसकी जो पावर फिगर है, जो प्राइस है, जो माइलेज है, जो लुक है, वो बिल्कुल ही ठीक ठाक है भाई, इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। और भाई इस गाड़ी के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि भाई इसका जो लिमिटेड एडिशन है वो हमें दिखाओ। तो भाई जैसे ये लिमिटेड एडिशन हमारे यहाँ के शोरूम में आएगा, आपको हम उसका वॉक अराउंड प्रोवाइड करा देंगे। अभी हमारे यहाँ के शोरूम में सिर्फ एक ही लिमिटेड एडिशन आया है, जो कि आपको वीडियो में दिख जा रहा है।
अगर यहाँ पे और भी कलर आएंगे तो हम आपको उन सभी का वॉक अराउंड वीडियो दिखा देंगे, स्पेक्स, रिव्यू, प्राइस सब कुछ बताएंगे अगर यहाँ पे हमारा वो लिमिटेड एडिशन आता है तो। हीरो स्प्लेंडर प्लस की पूरी जानकारी के लिए भाई मैंने नीचे लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहाँ जाकर आप हीरो स्प्लेंडर प्लस की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पा सकते हैं। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।